हेलो एवरीवन नमस्कार स्वागत है आप सभी का अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के पीसीएस प्लेटफॉर्म पर वेलकम यू ऑल एम आई ऑडिबल विजिबल आपको आवाज क्लियर है क्या कंफर्म करना एक बार एम आई ऑडिबल एज वेल एज विजिबल आवाज क्लियर है चले शुरुआत करें मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं यार एक बात कि आज का ये जो क्लास है ना थोड़ा सा कम समय तक पढ़ाऊँगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक मीटिंग है तो आई मीटिंग I have to be the that part of that meeting then that is why this class will be just for thirty minutes, तीस मिनट की एक क्लास होगी, right? चलें शुरुआत करें, लेकिन मजा आएगा, sincerely I am telling to you, चलें शुरुआत करते चलिए, ये मैंने आपको हमेशा बताया कि ये YouTube शेड्यूल है आपका, डेली नौ बजे मेरी क्लास में जुड़ जाया करो, आरो यारों का पूरा ये क्लासेस चलता है छह से बारह बजे तक स्टेट पीसीएस के शेड्यूल है और ये हमारा बीपीएससी का शेड्यूल है आप लोग हमारे शानदार जो बैचेज है है जिसकी प्राइसेस भी भी डाउन हो गई है। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा मेरे साथ लगातार पेड के भी पढ़ते हैं तो छह बजे से लेकर आठ बजे तक की पेड़ क्लास हो रही है सीसे जीएस सारी कुछ क्लासेस होती हैं तो यदि आप उत्तराखंड राजस्थान हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार झारखंड इन राज्यों के स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ना तो आप लोग सभी को मैं एक ही बात बोलूंगा कि महापैक में एनरोलमेंट कर लेना महापैक में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है सिंसियरली आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो जब भी आप इन कोर्सेज को लें कूपन कोड आपको मेरा पता ही होगा वाई फाइव एट थ्री वाई पांच सौ तिरासी इस कोड को लगा देंगे अड्डा ट्वेंटी फोर की ऐप को डाउनलोड करके आप महापैक में एनरोल कर लेना और 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 जो है लास्ट में बता दूंगा कैसे बैच को लिया जाता तो ये महापैक है और ये अभी 36 महीने की वैलिडिटी के साथ में 18 नहीं 36 महीने हो गया मैंने आपको कल कुछ, कुछ, कुछ डिस्कस कर लिया था ब्लैक होल वाला मैंने कर लिया था बताइए बता क्या होगा बिफोर स्टार्टिंग क्लास आई वॉन्ट टू कन्फर्म रिगार्डिंग फादर ऑफ ब्लैक होल हाँ बिल्कुल ठीक है मान गया भाई आकाश वर्मा आप नाराज मत हो नाराज मत हो मेरे भाई ब्लैक होल के फादर जो है वो रॉबर्ट ऑपनर है <laughs> गुस्सा मत हुआ करो यार ठीक है एक दो बातों पे हाँ वो गूगल पे लिखा है गूगल पे लिखा है मैं मान गया बात आपने मुझे शायद फॉरवर्ड भी किया था वेरी नाइस nice. तो अच्छी बात है कि हमें ना बहुत सा से सीखने को मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। इस, मैं आपको क्यों बोलता हूं पता है आपको आप एक बात सुनिएगा समझिएगा ध्यान से क्यों मैं बोलता हूं कि आपको जो कुछ भी नॉलेज है वो लिख दिया करो यहां ऐसा नहीं नाराज क्या माई गॉड आई एम रियली थैंकफुल कि आप इतनी अच्छी बात कह रहे हैं थैंक यू खुश रहो यार बहुत मेहनत करेंगे साथ में मिलके। ये बात है मेहनत करेंगे साथ में मिलके बहुत सारी थैंक <laughs> यू सुनो तो मैं हमेशा के एक, एक बात बोलता हूं ना आपसे बेटा नमस्कार मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूँ ना हमेशा एक बात क्या बोलता हूं क्या बोलता हूं कि एक बात याद रखना मैं हमेशा ये बोलता हूं ना ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करा करो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करा करो क्यों बोलता हूं मैं बोलता हूं ना आपको जो भी नॉलेज है वो आप कमेंट में लिख दिया करो इसके पीछे ना मेरा एक उद्देश्य होता है इस मामले में मैं मतलब ही हूं थोड़ा सा मैं आपसे एक डिस्कस करता हूं एक बात किस मामले में मतलब हूं कि यार मेरा अपना नॉलेज है वो नॉलेज है अब मेरे को जो क्लास में पढ़ाना है वो तो मेरे को ऑलरेडी आता है और मैं हूं ज्ञान का भूखा आदमी यू डोंट बिलीव इट मैं सीरियसली बोल रहा हूं मुझे ना कहीं से भी नॉलेज मिल रहा होता है कहीं से भी ज्ञान मिल रहा होता है ना उसको मैं बटोरता चलता हूं हर जगह से तो होता क्या कमेंट में बोलता हूं दो ज्ञान दो तुम तो तीन पांच बातें मेरे को नहीं पता चल रही होती है तो उससे क्या होता है मतलब कल को किसी और क्लास में जाऊंगा तो मेरे पास वो भी नॉलेज होगी तो इस तरह से क्या होता है मैं ज्ञान को ऐसे 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 करता रहता हूं हां सीरियसली इसीलिए क्या होगा इतने सालों से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी अभी भी बहुत सारी लर्निंग के लिए चीजें बाकी है और यही हमारा ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए है ना हा तो माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल ज्यादा करेक्ट क्या लग रहा है भाई स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए भी और नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए भी है ना हाँ 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 डाट डाटता जब हु ना मैं वो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल होता है मेरा पार्ट वो मैं जानता हूं हां बिल्कुल थैंक यू तो माइक्रोस्कोप जो है इसकी खोज 1590 में जकारियास ने की थी राइट right? जकारियास जॉनसन के द्वारा 1590 में किया गया एंड माइक्रोस्कोप इज यूज टू स्टडी माइक्रोस्कोपिक एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट ये इसके द्वारा किए ठीक है थीके? इज इट क्लियर इज इट क्लियर टू यू है ना ये पॉइंट आपको क्लियर है ये पॉइंट आपको क्लियर है अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कोई बात नहीं चेता चेतना बेटा बहुत दिनों बाद आ रहे हो आप तो कई दिनों बाद आई हो क्यों नहीं आ रहे हो रेगुलर मृदुल चौहान आज बहुत समय बाद आए पिंकी यादव मुझसे नाराज है वो बोल रही कि आपने ना हमको खाना नहीं खाने देते पिंकी यादव बहुत बढ़िया जकारियस एंड जानसन ये नाम याद रखेंगे आप लोग माइक्रोस्कोप के खोज करता है का एग्जाम कब होगा तो वो जुलाई में होगा डेट फिक्स नहीं है जुलाई में हो जाएगा ठीक है अच्छा एक बात और बताता हूं मैं आपको देखो सोलह और पैंसठ सॉरी सॉरी सो ये ये दो वर्ष आपको याद है किसके लिए यहां पर रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक और यहां पर देखिए रॉबर्ट हुक और यहां पर सोलह में एंटोनियन ल्यूवैन हॉक ल्यूवैन हॉक ये तो एंटोनियन लूवैन हॉक और रॉबर्ट हुक यह नाम दो याद रखना इन्होंने पहली बार एक सूक्ष्म दर्शी से इन्होंने संरचना देखी तो लेकिन यह क्या था यह प्लांट में देखी थी तो इसलिए रॉबर्ट हुक के द्वारा डेड सेल को खोजा गया मृत कोशिका जो प्लांट में होती है जबकि जो एंटोनियन ल्यूवेन हॉक थे इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटा सूक्ष्मदर्शी जकारियस ने जो बनाया था उससे भी ज्यादा ताकत क्योंकि समय हो गया ना पंद्रह के बाद सोलह एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने जब वो तो लाइवली सेल लाइवली सेल कोशिका या फिर उसको दूसरे शब्दों में आप लोग कह सकते हो आ, क्या कह सकते हो बताओ दूसरे शब्दों में कह सकते हो एनिमल सेल

पिंकी यादव बेटा खाना क्या नींद चैन प्यास सब भूलना पड़ेगा कौन सा एग्जाम पता है ना आर ओ एग्जाम है बच्चे पता है कितने बैठे पांच छह लाख से ज्यादा बच्चे बैठे पोस्ट कितनी है पोस्ट कितनी है आर ओ में फिर सब कुछ भूलना पड़ेगा तब एग्जाम क्रैक होगा बहुत कम पोस्ट है जितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बैठ रहे हैं डिमांडिंग पोस्ट है सारे के सारे अधिकारी जो स्टेट सिविल सर्विसेज के और जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना वो सब भी बैठेंगे तो भूख चैन प्यास नींद सब कुछ भूलना पड़ेगा बेटा पिंकी यादव ठीक है एंटोनियन ल्यून हॉक और मैं बहुत सिंसियर बात बता रहा हूं आप लोगों कोई सा हल्का नहीं आज की तारीख पैदोमीटर पैदम ये पढ़ा होगा आपने फैदोम पैदम फैदोमीटर फैदो क्या होता है बताइए पैदोमीटर या फैद तो फैदोम किसको मेजर करने के लिए यूज होता है हाँ इस बार का देखो डिफिकल्ट आए उससे तो डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा कट ऑफ नीचे चली जाएगी पेपर टफ आए आसान आए आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए पेपर के टफ आसान से कुछ नहीं फर्क पड़ता आपकी अपनी बेस्ट प्रिपरेशन होगी एग्जाम क्रैक हो जाएगा ठीक है हा फैदोमीटर इज यूज टू मेजर क्या मेजर करने के लिए फैदोमीटर काम आता है तो सी बात है शियन की डेप्थ को पैदोम वो यूनिट होती है यूनिट पैदोम वो इकाई होती है जिसको हम लोग जो है समुद्र की गहराई को मापने के लिए और समुद्र की गहराई कितनी है उसको मेजर किससे किया जाता है? मान लो ये पानी है यहां पर एक शिप शिप है है ये बह रहा तो यहां पर सोनार लगा होता है सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार की मदद से समुद्र की गहराई को मेजर किया जाता है सोनार की मदद से साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक और बात याद रखेंगे वन मोर पॉइंट इज इंपॉर्टेंट क्या जल्दी से बता दो एक माइल एक माइल में कितने किलोमीटर होते हैं या एक माइल में कितने मीटर होते हैं जल्दी से बता दो चलो प्रश्न का आंसर दो और एक और प्रश्न वन नॉटिकल माइल वन नॉटिकल माइल में बताओ कितने किलोमीटर होते हैं या फिर कितने मीटर होते हैं बताओ एक माइल में कितने मीटर किलोमीटर होते हैं एक नॉटिकल माइल में, में कितने किलोमीटर या मीटर होते है हैं टेल मी वॉट इज द आंसर ओशन के डेफ्थ को मेजर करने के लिए अर्थ को मेजर करने के लिए सबको पता होगा सीज्मोग्राफ होता है सीज्म सीज्म का मतलब ही सीज्म इंग्लिश का वर्ड है सीज्म क्या इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब ही कंपन्न होता है तो यहां से ये शब्द आया सीज्मोग्राफ सीज्मोग्राफ ठीक है हाँ जय हिंद प्यारे रुद्र लव यू लव यू इतना सारा प्यार करते हो फिर कैसे काम चलेगा यार किलोमीटर में 1.609 पॉइंट सिक्स जीरो करेक्ट और मीटर के अंदर 1.609 सिक्स मीटर्स चलो सही आंसर है ना साउंड की इंटेंसिटी किसमें मेजर की जाती है डेसीबल में डेसीबल नाम की यूनिट है और साउंड की इंटेंसिटी किस पर मेनली डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड आयाम पर एम्पलीट्यूड बताया था ना एक लेक्चर में बताया था मैंने कि साउंड की जो इंटेंसिटी है आई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या बोला एम्पलीट्यूड आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है देखो आकाश ने एक और आंसर बहुत सही दिया है. बहुत बढ़िया गुड बिल्कुल सही वन नॉटिकल माइल इज इक्वल टू वन पॉइंट एट फाइव टू ये और मीटर में कितना हो जाएगा 1852 ये याद रख लेना सारी बातें अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर पैदोमीटर इज एन एक्टिव सोनार इंस्ट्रूमेंट क्या बोल रहा है देख लो आप पैदोमीटर खुद क्या होता है जो है खुद एक सोनार उपकरण है और इसकी मदद से समुद्र की गहराई क्योंकि देखो जो शिप जा रहा है आपको एक बात पता है ना कि जो ये प्रश्न भी बहुत इंटरेस्टिंग है सुनना एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न बता रहा हूं मजा आएगा आपको अच्छा ये प्रश्न का जवाब दो चलो मैं तो बता ही दूंगा आप बताओ ये पानी है ये क्या रखा है प्यारे बच्चों ये पानी है ठीक है और ये है एक बर्फ का टुकड़ा ये है एक बर्फ का टुकड़ा क्या ये है एक बर्फ का टुकड़ा पानी पर मुझे ये बताओ कि पानी से ये कितना बाहर रहता है और पानी के ये कितना अंदर रहता है बताओ पता है आपको ये कॉन्सेप्ट बर्फ का टुकड़ा यदि पानी में है <laughs> देखता हूं बहुत होशियार हो ना आप लोग आज पता चल जाए होशियारी बताओ चलो पानी से ये कितना बाहर रहता है कितना अंदर रहता है ये प्रश्न का जवाब दो तब तक जब तक आपको जवाब मिले तब तक मैं आगे समझा देता हूं तो <laughs> तो एक्टिव सोनार इंस्ट्रूमेंट यूज टू नेविगेशन एंड सेफली डिटरमाइन द डेफ वाटर तो हम लोग जो है समुद्र की गहराई को मेजर कर पाते हैं ओशियन द इज यूनिट ऑफ वॉटर डेफ्ट विच इंस्ट्रूमेंट गेट इट्स नेम और ये जो फैदोम है ना ये इकाई होती है यूनिट है किसकी समुद्र की गहराई को हम लोग फैदोम में मेजर करते हैं यहां पर एक बहुत शानदार बात दिखाइए सुन लो यूडोमीटर पल्वियोमीटर या ओम्रो ओम्ब्रो जो शब्द है ना वर्षा के लिए आता है ओम्रो ओम्ब्रो शब्द आता है पल्वियोमीटर और यूडोमीटर ये तीनों ही जो है ये समुद्र के सॉरी वर्षा रेन गेज में मदद करता है जल्दी बताओ जल्दी बताओ अबे अरे डिग्री में नहीं होता भाई ये डिग्री में नहीं होता दादा रॉकस्टार। तुम्हारे ऊपर मेरे प्यार का सर ज्यादा काम अरे एक मिनट रॉक रॉकस्टार कोई लड़की तो नहीं है ना भाई मैं मैं भाई मान के तुमको कर रहा था भाई तुम बहन हो तो भाई माफ कर देना रॉकस्टार तुम पहले बताओ बेटा हो या बेटी हो पहले तो ये बता दो वरना वो मैंने ना लड़का समझ के किया था ठीक है हाँ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ रॉकस्टार <coughs> से मेरा प्रश्न बच्चे जल्दी बता दे बेटा डेसीबल डेसिबल मीटर होता है वो साउंड इंटेंसिटी अर्थक्वैक को मेजर करने के लिए हम लोग सीजमोग्राफ याद रहेंगे ये लिखो <coughs> पिंकी यादव बेटा पिंकी यादव पिंकी यादव बेटा तुम क्या करती हो या करते हो जो भी आप बेटा पेपर लीक हुआ है उसका असर पड़ता है क्या अगले पेपर पे ये किसने बोल दिया तुम कहां से चीजों को जोड़ के देखते हो अरे पढ़ाई में चीजों को जोड़ना सीखो कि ये सब्जेक्ट में मेरे को ये ज्ञान है इस सब्जेक्ट में मेरे को ये ज्ञान है उन दोनों को जोड़ना सीखो वो पेपर लीक हुआ तो अगला पेपर कैसा होगा अरे ये कहां से तुम्हारे दिमाग में आता है, है? बताओ पीके भाई रॉकस्टार है सर फिर ठीक है फिर फिर ठीक है चलो चलो थैंक यू भाई हां तो यहां तक सारी बात क्लियर है यूडोमीटर पल्वियोमीटर और अम्ब्रोमीटर तो ये ये याद रह जाएंगे याद रह जाएंगे ना ये याद रह जाएगा ना सबको यस आगे चले हा तो ये सब याद है तो जल्दी से बताओ बिल्कुल सही बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो जो हां एक आइस का जो क्यूब है आइस आइस बर्फ जो होता है एक बटे दस भाग पानी के ऊपर होता है नौ बटे दस भाग पानी के नीचे होता है पानी के नीचे होता है मतलब बर्फ का टुकड़ा है ना बहुत थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा वैसे ही जो समुद्र होता है ना ओशंस जो समुद्र होते हैं उसमें भी जो शिप है शिप थोड़ा सा अंदर की तरफ रहता है ऐसे ऐसे तो यदि गहराई कम हो गई ना तो इस समुद्र में यह शिप का निचला पार्ट टकरा सकता है तो उसी अनुसार क्या है लगातार फैदोमीटर से चेक करते रहते हैं वो जरूरी है ऐसा ना हो जाए कि वो शिप टकरा जाए किसी चट्टान से इसलिए फैदोमीटर से टेस्ट होता रहता है कि समुद्र की गहराई कितनी है कम गहराई में क्या होता है वो प्रॉपरली तैर नहीं पाएगा जहाज इसलिए फैदोमीटर और ये एक सोनार वाला इंस्ट्रूमेंट है एकदम क्लियर सारी बात क्लियर आगे चलें चलिए अगला प्रश्न आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी कलर फ्रॉम द फॉलोइंग बताओ कौन सा इनमें से प्राइमरी वेरी गुड अथरवी गुड हाँ वेरी गुड यस 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 यू टोल्ड राइट गुड प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर सेकेंडरी कलर की लिस्ट बताओ चलो प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर मैं आपको बहुत अच्छा डायग्राम बताऊंगा प्राइमरी कलर देखो प्राइमरी कलर जो है ना वो आर जी बी है आर जी बी का मतलब रेड ग्रीन ग्रीन एंड ब्लू प्राइमरी कलर क्या है रेड ग्रीन एंड ब्लू है राइट प्राइमरी कलर है ये रेड ग्रीन एंड ब्लू तो ब्लैक क्या हो जाएगा कट जाएगा और इन तीन रंगों से ही ये जो आपको ये बोर्ड दिख रहा है आपका जो फोन है आपके घर में जो टीवी या डिस्प्ले यूनिट है जो भी ये तीन रंग होते हैं इनकी इंटेन्सिटी इसकी लाइट को एकदम एकदम डार्क कर दिया जाए तो डार्क रेड और इसको वाइट में भी तो अलग अलग तीन के कॉम्बिनेशन से हम सारे रंग बना सकते हैं इन तीन प्राइमरी कलर का ही यूज होता है हमारी इन डिस्प्ले यूनिट्स में और इन तीन रंगों की मदद से ये डिस्प्ले यूनिट्स हमको अलग अलग रंगों की दिखाई देती है इनके कॉम्बिनेशन से हम सारे सारे रंग बना लेते हैं अब बताइए यदि ये प्राइमरी कलर है आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा आज बहुत सारे यदि ये प्राइमरी कलर है तो बताइए सेकेंडरी कलर कौन से? सेकेंडरी कलर कौन से किसी को बताया सेकेंडरी कलर कौन कौन से सेकेंडरी कलर होते हैं येल्लो येल्लो मैजेंटा मैजेंटा और श्यान मैजेंटा और श्यान ये ठीक है मैजेंटा और श्यान ये सेकेंडरी कलर्स येलो मैजेंटा और श्यान ये सेकेंडरी कलर है मैं आपको एक बहुत शानदार डायग्राम बताता हूं उससे आपको बहुत अच्छी समझ विकसित हो जाएगी लीजिए बहुत अच्छी समझ विकसित हो जाएगी एक बार दिखा देता हूं लोग प्राइमरी कलर येलो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स इमेजेस एक शानदार सी बात बता देता हूं नहीं श्यान नहीं बता रहे अरे बाबा हाँ ये रहा ये सही है लो ये डायग्राम देखो आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी और ये ये ना एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है ये वाला ये वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में आता भी है अरे तू रुक जा रहा गूगल एड हां लो ये कलर देख लो आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हां राइट मैजेंटा श्यान की स्पेलिंग सीवाई एन बिल्कुल अब देखो आपको ये जो तीन कलर है रेड ग्रीन एंड ब्लू इनके कॉम्बिनेशन से सारे कलर बन सकते हैं कभी कभार इनकी प्रयोग की बजाय हम लोग सेकेंडरी कलर से भी सारे रंग बना सकते हैं जिसमें श्यान, येलो और मेजेंटा ये सेकेंडरी यदि सातों रंग आपने बचपन में आपको सिक्स या सेवंथ क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करवाया होगा क्या कि एक लकड़ी लो पतली सी और एक पूरा गुट्टे जैसा मतलब कागज का टुकड़ा लो और उसपे सातों रंग बना दो विप ग्योर रेड ग्रीन ब्लू येलो ऑरेंज रेड और उनको जब घुमाएंगे आप तेजी से चरखनी तो वो सफेद कलर बन जाता है तो सारे कलर सात कलर मिलकर क्या बना देते हैं सफेद तो इसीलिए बीच में सफेद है अब एक चीज याद रखना ये एग्जाम में पूर्व प्रश्न आता है कि रेड और ग्रीन इन दोनों के समान इंटेंसिटी वाले रेड और ग्रीन को मिलाने पर येलो बनेगा याद रखना ये प्रश्न आता है कई बार इसीलिए मैंने ये डायग्राम खुलवाया ग्रीन और ब्लू ग्रीन और ब्लू मिलकर श्यान रंग बनाता है आप यदि कभी दिल्ली मेट्रो गए होंगे तो एक मैजेंटा लाइन भी है मैजेंटा कैसे बनता है याद रखना रेड और ब्लू के मिलने से मैजेंटा ब्लू और ग्रीन के मिलने से श्यान और ग्रीन और रेड के मिलने से येलो बनते हैं यह बात याद रखना इस पर आधारित यदि प्रश्न और मैंने मैं बता रहा हूं सिंसियरली बता रहा हूं यह एक ऐसा प्रश्न है कि बच्चा कंफ्यूज होगा तो इस पर और भी प्रश्न बन सकते हैं मैनी मोर क्वेश्चन कैन बी देर राइट समझ में आया तो श्यान कैसे बनेगा ब्लू और ग्रीन मिलकर येलो तो पता होगा आपको रेड और ग्रीन मिलकर मैजेंटा ब्लू और रेड के मिलने से गॉट माई पॉइंट अब देखो एक ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि ग्रीन कैसे बन सकता है तो याद रखना येलो और शान येलो और शान के मिलने से ग्रीन मैजेंटा और शान के मिलने से ब्लू और मैजेंटा और येलो के मिलने से रेड भी बनेगा ये भी याद रखना ठीक है तो उल्टा भी है है ना ओ माय गॉड ये बहुत अच्छा था मुझे बहुत अच्छा लगता है यार ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है थैंकफुल really पापा जी को मेरा जरूर प्रणाम नमस्ते देना बेटा एक बार थैंक यू अंकल जी को बहुत सारा प्यार मतलब आपको की थैंक यू सो मच एट सॉफ तो गॉड इट तो ये कोई गलती मत करना किसी भी तरह की उनको मेरा जरूर नमस्कार कहना है ना बेटा जरूर बताना सर ने नमस्ते भेजा है और उनको यह भी बोलना कि मुझे आशीर्वाद भी दें प्लीज है ना जरूर आशीर्वाद देने का भी बोलना तो यहां तक सारी बात क्लियर है आगे बढ़ते हैं आगे चलते हैं हैं कलर कलर सेंसेशन सेंसेशन की बात करते इज द प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेन ड्यू टू एक्साइटमेंट ऑफ रेटिना बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सम समर्टिकुलर वेव लेंथ प्राइमरी कलर आर सेट ऑफ कलर्स दैट कैन बी हा मैंने बोला ना प्राइमरी कलर्स के मिलाने से सभी प्रकार के रंग बन सकते सभी प्रकार के रंग ग्रीन रेड ब्लू आर प्राइमरी कलर एंड अ सेट ऑफ कलर लाइट्स दैट कैन बी कंबाइंड एंड वेरिंग अमाउंट जब इनको जैसे मैंने बोला ना लाल गहरा लाल और गहरा लाल बहुत गहरा लाल और लाल को हल्का 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 करते जाओगे बहुत हल्का करते जाओगे तो वो सफेद हो जाएगा तो लाल में इंटेंसिटी होगी ना बहुत गहरा लाल और बिल्कुल सफेद वैसे ब्लू में बहुत गहरा ब्लू और तो इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से और ग्रीन के भी इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग रंगों को बनाया जा सकता है और यही ये यह जो आपको डिस्प्ले पिक्चर यूनिट्स दिखाई दे रही है ना इस पर जो डिस्प्ले आ रहा है जो 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 मॉनिटर इसके इसके पीछे जो इसके पीछे ये बोर्ड है है ना सीपीयू लगा मेरे सामने कंप्यूटर्स हैं उनके भी सीपीयू CPU, सीपीयू ही सीपीयू ही इन डिस्प्ले यूनिट को रंग भेज रहा है कि तू ये दिखा यहां पर यहां पर ब्लू दिखा यहां पर व्हाइट दिखा यहां पर रेड दिखा यहां पर रेड दिखा ये सीपीयू भेज रहा है प्रोसेस ठीक है समझ में आया अच्छा अथरवी बेटा आपके फादर क्या करते हैं उनका प्रोफेशन क्या है बेटा क्या करते हैं पिताजी यहां तक बात क्लियर तो अलग अलग विभिन्न रंगों तो यहां पर देख लीजिए और एक और बात <coughs> यहां पर वन मोर पॉइंट आई वॉन्ट टू एड है अल्टीमेटली बेटा इन रंगों को देखेगी कौन मानव की आंखें ह्यूमन आइज देखती है ना इन रंगों को मानव की आंखें देखेंगी क्लियर है कुछ जानवर होते हैं उनको रंग की पहचान ही नहीं होती क्यों क्योंकि उनकी आंखों में ना देखो हमारी आंखों के पीछे दो प्रकार की चीज होती है एक होता है कौन सेल एक होता है कौन सेल और एक होता है रॉड सेल कौन का मतलब होता है प्यारे बच्चों इस तरह की कौन सेल आंख के पीछे रेटिना पर होती है यहां पर एक शब्द आ रहा है ना रेटिना और जो रॉड सेल्स से हैं वो इस प्रकार की कोशिकाएं होती है शलाका कोशिका और हिंदी में इनको बोलते हैं शंकु और ये है शलाका कोशिका तो शलाका कोशिका और शंकु कोशिका ये तो दो तरह की ये कोशिकाएं होती है। तो हमको जो अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे ये रेस्पॉंसिबल है। कौन सेल्स और हमें जो हमें जो जैसे आप मेरे को देख रहे हो तो उजाला भरमार क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे ऊपर ये एलईडीज वगैरह लग रही हैं ये आसपास सामने तो रात में कुछ लोगों को जब दिखाई नहीं देता है ना तो उसके पीछे कारण क्या है कि जो विटामिन ए है वो इन रॉड सेल्स को प्रॉपरली विटामिन ए की कमी होने पर रॉड सेल्स अपना बराबर काम नहीं करती हैं तो रात में जो अंधेरा होता है ना तो जरा सा भी कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि वो इंटेंसिटी है जन, इंटेंसिटी जो है यहां पर यहां पर जो कोशिका है वो प्रॉपर संख्या में नहीं है <coughs> रॉड सेल याद रखना माफी चाहता हूं एक मिनट गले में कुछ दिक्कत हो रही है आज जो रॉड सेल्स होती हैं, वो हमारी लाइट की इंटेंसिटी हां तो ब्लाइंडनेस इसके कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस इसके कारण है विटामिन ए की कमी से ये वाली जो कोशिकाएं रेटिना की उनको दिक्कत होती है और शंकु कोशिका में एकदम क्लियर एकदम क्लियर मेरी बात है ना राइट right? राइट right? ठीक है तक सारी बात क्लियर चलो ग्रीन रेड एंड ब्लू आर प्राइमरी कलर्स कलर्स अ सेट ऑफ दैट कैन बी कंबाइंड इन वेरिंग अमाउंट टू प्रोड्यूस ए गैमेट ऑफ कलर तो ये अलग अलग रंगों को डिस्क्राइब करते हैं <coughs> देखिए इन्होंने कुछ डिजीज के नाम भी लिखे आकाश ने तो आंखों से रिलेटेड जो डिजीज है आंखों से रिलेटेड डिजीज बता दूं और आंखों से भी पर्टिकुलरली किसके कारण विटामिन ए की कमी से जो रोग हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी रतौंधी रोग ठीक है रतौंधी पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या है नाइट ब्लाइंडनेस हो गया <coughs> ठीक है दूसरा पॉइंट है जीरोफ हेलमिया एक है की रैटो मलेशिया एक है वाइट बिटोट्स मतलब जो आंखों में सफेदा जिसको हम लोग कैटरैक्ट कहते हैं कैटरैक्ट कैटरैक्ट मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं है ना एक होता है कैटरैक्ट वाइट बिटॉट कैटरैक्ट राइट एम्ब्लाोपिया भी होता है ग्लूकोमा तो बहुत खतरनाक है ग्लूकोमा तो बहुत खतरनाक ग्लूकोमा इसमें तो नेत्र की दृष्टि ही चली जाती है ग्लूकोमा तो जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो रतौंधी है जीरोफ्थेलमिया में क्या होता है देखो जेरो ये जो शब्द है ना एक्सईआरओ -E जहां कहीं भी ये शब्द आ जाए ई आर ओ जेरो जेरो का मतलब होता है ड्राइनेस ड्राइनेस आंखों में जो शुष्कपन हो जाता है वो जैरो शब्द से शुष्कपन तो आंखों में शुष्कपन क्यों हो जाता है विटामिन ए की कमी से आंखों के ऊपर ना हमेशा एक तरल बना रहता है हमारे पूरे शरीर की सबसे एक्टिव मसल्स है वो आईज है बिजिएस्ट मसल्स व्यस्ततम कोशिक व्यस्ततम जो ऊतक है वो हृदय है बिजिएस्ट मसल्स वो आइज है राइट तो जीरो के कारण क्या होता है हमारे को आंखों में ड्राइनेस हो जाएगा और धीरे धीरे शुष्कपन होगा लेक्राइमल जो ग्लैंड है बिल्कुल सही बोल रहे हैं आंखों में एक ग्लैंड ग्लैंड होती है है वो क्या करती लगातार आंखों में पानी बनाए रखती है और उस लेक्राइमल ग्लैंड में जो कि एक बहिर्स्त्रावी ग्रंथि है क्योंकि उसमें नलिकाएं होती हैं आंखों के अंदर ही पानी रहेगा अंदर नहीं जाएगा उस लेक्राइमल ग्लैंड में लाइसोजाइम नाम का है ना लाइसोजाइम नाम का पदार्थ होता है तो ये जो चारों ही जो नाम है नाइट ब्लाइंडनेस जीरो किराटो मैलेशिया वॉट इज दिस किराटो मलेशिया का मतलब क्या होता है कि आंख में जो आंख होती है उसका भंगुरपन भंगुरपन मतलब ये कि हमारा जो कॉर्निया है ना जैसे जैसे कांच नहीं नीचे टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा जब गिराएंगे तो, तो यह किराटो मैलेशिया तो आकाश बिल्कुल सही बोल रहे हो विशियस एंड विट्रियस फ्लूड वो आंखों के पीछे की तरफ पाए जाते हैं जिससे हमारा प्रकाश लाइट आंख के अंदर प्रवेश करके रेटिना पर टकराता है इट क्लियर कोई बात नहीं लेट हो गए तो आप रिकॉर्डेड जरूर देख लेना तो किराटो मलेशिया है ना है ना किराटो मलेशिया है ना इट क्लियर यहां तक सारी बात क्लियर जिया आई और ऋषभ अगली बार कमेंट डिलीट हुआ तो दिक्कत हो जाएगी बेटा अगली बार कमेंट डिलीट हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ब्लॉक कर दूंगा तुरंत है ना जिससे बंगुरपन हो जाता बिल्कुल <coughs> तो ये नाइट ब्लाइंडनेस अभी नाइट ब्लाइंडनेस क्यों हो रहा है क्योंकि विटामिन ए जो रॉड्स सेल को मजबूत रॉड सेल्स की कोशिकाओं को अच्छा करता है उसके कारण ही ठीक है राइट वाइट बिटॉट्स कैटरैक्ट मोतियाबिंद कैटरैक्ट को क्या बोलते हैं मोतियाबिंद मोतियाबिंद में क्या होता है कि जो आंख है ना आंख का जो लेंस है उसके बाहर एक सफेद सा है ना झिल्ली सा बन जाता है स्किन uh, जैसा तो उस कारण क्या होता है जब लाइट अंदर जा ही नहीं पाएगी तो कैसे देखेंगे तो ऑपरेशन होकर लेजर वगैरह से ऑपरेशन से इसको हटा दिया जाता है तो ये मोतियाबिंद है आंख के ऊपर क्या है जो हमारा कॉर्निया है उसके बाहर की एक लेयर आ जाती है सफेद सी लाइट अंदर जा ही नहीं पाती है इज इट क्लियर तो ये क्या है मोतियाबिंद ठीक है हा हा कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको डॉल्टिज्म रोग भी कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम है डॉल्टिज्म, डॉल्टिज्म रोग, यस, yes, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है आप ने। good, good. में क्या होता है ग्लूकोमा में मान लो ग्लूकोमा को बता देता हूं इसको ग्लूकोमा को हिंदी में काला मोतिया भी कहते हैं ग्लूकोमा को काला मोतिया भी कहते हैं ये और इसमें क्या होता है देखो जैसे मान लीजिए आपको एक विजन जैसे आपको मान लो इतना सा नजारा दिख रहा है मान लो आपकी आंखें मेरी आंखें इतना ही देखती है तो पहले क्या होगा ग्लूकोमा के कारण ये ग्लूकोमा भी क्या होता है आंखों में पानी जो है ना वो ड्राइनेस होती जाती है तो उसके बाद ग्लूकोमा धीरे धीरे जीरोफ्थेलमिया के बाद ग्लूकोमा होगा आदमी को पहले हमको ये बाहर बाहर का ये नजारा नहीं दिखेगा ये ये फिर उसके बाद और बाहर का ये इसके बाहर का नहीं दिखेगा ये फिर इसके बाद इसके बाहर का भी नहीं दिखेगा और एक समय ये आएगा कि ये भी नहीं दिखेगा बिल्कुल नजारा बंद हो जाएगा ग्लूकोमा में आदमी अंधा हो जाता है डॉल्टिज्म रोग है ना मायोपिया और और हाइपरमेट्रोपिया ये दोनों भी आप समझ लो आंख की बात आ रही है तो एक होता है मायोपिया और एक होता है हाइपर मैट्रोपिया एक है मायोपिया और एक है हाइपर तो हाइपर का मतलब ज्यादा हाइपर मतलब ज्यादा तो दूर दृष्टि दोष इसे कहते हैं और मायोपिया का इसका उल्टा हो गया इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष इसे कहते हैं मायोपिया और ये सबसे कंफ्यूजिंग होता है नॉर्मली एस्पिरेंट्स इसको समझ नहीं पाते है, है ना तो यहां पर देखिए क्या है जो दृष्टि दोष है वो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया क्या है यह निकट दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीजें साफ नहीं दिख पास की वस्तु उल्टा होता है साफ नहीं दिखती है ना जो नियर ऑब्जेक्ट है नियर ऑब्जेक्ट वो क्लियर नहीं होते याद रखना नियर ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर नॉट नियर ऑब्जेक्ट्स नॉट क्लियर निकट दृष्टि दोष में जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वो क्लियर नॉट क्लियर नॉट क्लियर ठीक है ये ये ऐसा क्यों होता है इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं समझ लीजिए एक बार ये हमारी आंख का कॉर्निया है और हमारी आंख का कॉर्निया क्या होता है एक लेंस है कौन सा लेंस है कॉन्वैक्स लेंस आंख में कॉन्वैक्स लेंस है जब ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये रेटिना पर गिरेगा ये।, ये 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 और फिर ये कहां पर जाएगा टकरा के यहां जाएगा ये ये और ये ऐसे तो ये यहां पर यहां पर बन जाएगा अब मान लीजिए ये रेटिना है ये यहां पर यदि कोई भी चित्र बनता है तो तो ठीक है लेकिन यदि निकट दृष्टि दोष में क्या हो गया ये पहले ही टकराकर यहां पहले ही बन गया इस कारण से क्या होता है कि जब निकट दृष्टि दोष हमको दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है इस केस में हम लोग क्या करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करते हूं कुछ ऐसा ये अवतल लेंस क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है किरणों को फैला देगा किरणों को फैला देगा ये ऐसे तो ये सही जगह पर पहुंच जाएगा राइट वैसे ही कुछ लोगों के साथ क्या होता है ये हमारा जो लेंस है इसका लेंस की तुलना में ज्यादा दूर ये दूर बन जाता है इस पर बनने की वजह यहां पीछे बन रहा है हमारा ये वाला पार्ट क्या है इसी को हम लोग रेटिना या फिर कहते हैं इसी को हम लोग रेटिना या दृश्य पटल कहते हैं पॉइंट क्लियर जब दूर बनता है तो हम इस केस में इस केस में आंख के आगे हम लोग जो चश्मा लगाते हैं वो उत्तल लेंस को लगाते हैं ताकि क्या हो सके बजाय दूर बनने के ये कन्वर्जेंट होकर यही रेटिना पर बन जाए तो याद रखना हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं क्योंकि पास की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है जबकि जो मायोपिया है, उसके लिए हम लोग अवतल अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कॉनकेव का कॉनकेव का। तो मेरे हिसाब से बहुत से प्रश्न आज के आपके क्लियर हो गए होंगे yes no? ना <coughs> यदि रेज यदि रेज जो है वो बिफोर रेटिना आ रही है तो ये मायोपिया है और यदि रेज पीछे जा रही है तो ये हाइपर मैट्रोपिया इसमें कॉन्वेक्स याद रखना ये हमेशा ये भी हरियाणा सिविल सर्विसेज में प्रश्नों को पूछा गया था और यहां पर कॉन्केव कितनों को मेरी बात सारी समझ में आ गई एक बार सारे लोग यस करके बता दो या दिल बना के बता दो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया प्रद्युमन को आकाश को मृदुल को श्वेता को वेरी गुड जिया आई एस ड्रीम बहुत अच्छे से सबको क्लियर हो गई है बात निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष एवरीथिंग इज क्लियर टू यू चलो यहां तक सारी बात क्लियर ये मेरा जो चश्मा है ये बहुत दिन हो गया मैंने आपसे बात नहीं करी इस पर हमेशा मैं बात करता हूं नॉर्मली मेरी क्लास में तो ये 600-700 रुपए का आता है मेरी आंखों में ना तो दूर दृष्टि दोष की अभी तक आज आज की डेट में ना ना तो दूर दृष्टि दोष की प्रॉब्लम है ना निकट दृष्टि दोष की कोई प्रॉब्लम है ये मैं इसलिए पहनता हूं कि सुबह से शाम तक जब पढ़ाता हूं तो ये एलईडी ये एलईडी वो एलईडी ये पीछे एलईडी तो ये ना आंखों में शाम तक जाते थे पेनफुल हो जाता है तो ये क्या है ये ब्लू कट लेंस है और मैं हमेशा बोलूंगा कि कोई भी एस्परेंट जो ऑनलाइन तैयारी करता है उसे जो मोबाइल में देख के पढ़ रहा है सालों से उसको ब्लू कट लेंस जरूर ले लेना चाहिए ब्लू कट लेंस वरना बाद के लिए दिक्कत हो जाएगी तो ये ब्लू कट लेंस है है ठीक ये ब्लू कट लेंस है गॉट पॉइंट हैव यू गॉट माई पॉइंट ठीक है चलो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं क्रिस्टल क्लियर एकदम बहुत बढ़िया चलो आगे चले चलिए गुड वेरी गुड अगले प्रश्न पे आ रहे हैं गाइस तो यहां पर मैंने सारी बात बता दी ना आपको कि रंग एक विशेष तरंग लंबाई की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था रेड ग्रीन ब्लू वो सब क्या है इनका अपना क्या है रेड की जो वेवल्थ है सबसे ज्यादा अठहत्तर सो अंग और जो जो आपका छिहत्तर सो अठहत्तर सो के लमसम रहता है रेड का और जो वेब ग्योर तो वॉयलेट का सबसे कम वेवलेंथ होता है और वो होता है लगभग अड़तीस लग सौ आंकस्ट्रॉम ठीक है अड़तीसो आंक रहता है तो इनके अलग अलग विद्युत चुंबकीय तरंगे रेटिना के जो कौन सेल है उस पर पड़ती है और अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं ठीक है है ना हाँ ओके okay. यहां तक सारी बात क्लियर एकदम है ना <coughs> चलो क्या करना है एक मिनट एक मिनट हाँ एक मिनट एक मिनट का समय दीजिए यार एक मिनट प्लीज ना यार वो कौन सी मीटिंग जुड़ना था नहीं जुड़ना था वो डिले हो गया था ना अभी कुछ और आई एस की नहीं है हो भी गया ठीक है उसमें जुड़ना है उसमें भी नहीं जुड़ना ठीक है ठीक ओके तो यार ना आज की क्लास को मैं यही रोकता हूं मुझे एक मीटिंग को ज्वाइन करना था जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप लोग ना आप लोग सभी गाइज आप लोग सभी ना अड्डा ट्वेंटी फोर के पीसीएस प्लेटफॉर्म जो है हमारा यहां पे हम लोग जो है अड्डा टू फोर सेवन अड्डा टू फोर सेवन अड्डा टू फोर सेवन ये तो ये, ये जो है में 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 जाकर आप लोग ना लगा देना government job exams, UPSC, state PCS के में करना और अभी तीन साल की validity है किसी में भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड मध्य प्रदेश आरो आरो की तैयारी भी कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश के इस बैच में एनरोलमेंट कर लेना ये आपको महापैक जो है आपको लगभग कुछ सैतालीस सौ में मिल जाएंगे वाई कूपन कोड लगा देना और इसकी मदद से आपको ये कुछ चार हजार छह सौ रुपए में आपको बैच मिल जाएगा जिसमें नोट्स मटीरियल और तीन साल की वैलिडिटी है सो थैंक यू सो मच यार गॉड ब्लेस यू और